नमस्कार, गुजरात के साप्ताहिक वेदर रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। गुजरात में अगले एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम, इस पर डालेंगे हम नज़र। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे गुजरात में मॉनसून के पहुंचने की सामान्य तारीखें क्या है। गुजरात में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 15 जून के आसपास दस्तक देता है। हालांकि इसने इस बार 11 से 13 जून के बीच ही इन भागों में दस्तक दे दी है और इसके अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आगे बढ़ने के आसार है। आइए अब बात करते हैं गुजरात में एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। गुजरात के महाराष्ट्र से सटे हुए हिस्सों जिनमें नवसारी, डांग, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा आदि इलाके आते हैं, इन इलाकों में पूरे सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। हालांकि एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी उस दौरान देखने को मिल सकती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों जिनमें सोमनाथ, वेरावल, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, राजकोट आदि इलाके आते हैं, इन इलाकों में 16 जून की शाम से हल्की बारिश के आसार है। बारिश 17 और 18 जून को इन भागों में और अधिक बढ़ सकती है। उस दौरान इन क्षेत्रों से लेकर दामोह, पंचमहल, गोधरा, महिसागर, अरवली, गांधीनगर और साबरकांठा, मेहसाना, पाटन, इन सभी इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश के आसार है। 19 जून से बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और 20 जून को भी कम ही रहेगी। हालांकि दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश उस दौरान भी जारी रहेगी। अगर इसके पश्चिमी हिस्सों में चले जिनमें कच्छ व भुज में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। हालांकि 17 व 18 जून के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात की साप्ताहिक वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने क्षेत्र व राज्य से जुड़ी हर मौसम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।